सो आज बातें होंगी दो चीजों की, एक मेरे पास यहाँ पे है रबर डंबल, दूसरा है मेरे पास यहाँ पे क्रोम डंबल भी बोल सकते हो, स्टील डंबल भी बोल सकते हो, आयरन डंबल भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है इसके। तो बेसिकली आज दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, दोनों में से अच्छा कौन सा, अगर आप होम जिम सेटअप कर रहे हो तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, अगर आपको गार्डन में अगर वर्कआउट करते हो तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग अगर चाहिए तो किसके साथ जाना चाहिए। पीवीसी की बात नहीं होगी इसमें, इसमें सिर्फ ये दोनों जो डंबल्स हैं इसके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें, पहला तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं रेगुलर 4 बजे अपनी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जल्दी से जाकर वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं गिव अवे करने के लिए सोच रहा हूँ, तो अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाएंगे मैं गिव अवे करूँगा रेजिस्टेंस बैंड का, क्वांटिटी कितनी होगी, रूल्स क्या होंगे, सारी चीज़ें बातें होंगी गिव अवे वाली वीडियो में। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप डंबल खरीदने जा रहे हो तो कौन सा आपको डंबल खरीदना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम इस आयरन डंबल की, या स्टील डंबल, या आप जो भी आप इसे कहते हो। तो उसमें अगर बात करें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो उसके दो बेनिफिट्स हैं। ये काफ़ी भारी होता है, काफ़ी सॉलिड होता है, इसलिए बहुत कॉम्पैक्ट होता है। आप ये डंबल से देख सकते हो 7.5 किलो का ये डंबल है, अगर ये पीवीसी में होता तो काफ़ी बड़ी साइज होती। तो फुल रेंज ऑफ मोशन आपको मिल जाता है अगर आप यूज़ करते हो कास्ट आयरन डंबल। तो दूसरी इसकी अच्छाई ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है, क्योंकि ये आयरन से बना होता है तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप उठा के थोड़ा पटक पटक भी दो इससे तो जल्दी टूटेगा नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सारी हो गई इसकी अच्छाइयाँ। अब बुराई की अगर बात करूँ या नेगेटिव्स की बात करूँ, तो नेगेटिव्स की बात ये होती है कि यार ये जो होता है बहुत सॉलिड होता है। तो पहले नेगेटिव पॉइंट इसका ये होता है कि इतना सॉलिड होने की वजह से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो, होम वर्कआउट कर रहे हो, और आपने काफ़ी हाइट्स अगर छोड़ दिया इसे, तो आपकी टाइल्स टूट सकती है और एक उड़ता हुआ चप्पल आपके सर के ऊपर से या सर से निकल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर होम वर्कआउट कर रहे हो तो इसके साथ बिल्कुल मत जाना, सेफ नहीं है। इवन मैं टेरेस पे करता हूँ तो भी बड़े केयर करके इसे नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे लोग रहते हैं और नीचे आवाज़ जाएगी अगर मैं थोड़ा सा भी इसे ऊँचाई से छोड़ दूँ, तो हाइट से छोड़ दूँ। तो ये हो गया इसके साइड इफ़ेक्ट। बात करें अगर एक और साइड इफेक्ट की, तो एक्सीडेंट के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लाइक आप वर्कआउट कर रहे हो, होम वर्कआउट में मोस्टली लोग शूज़ नहीं पहनते हैं, तो बिना शूज़ के जब भी आप करोगे इस तरह के डंबल से वर्कआउट, और हेवी डंबल है, कहीं आपके पैर पे गया तो आपका पैर चला जाएगा। तो इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा नहीं होता है। इवन जिम्स भी अवॉइड करते हैं क्योंकि वो टाइल्स अपनी तोड़ना नहीं चाहते हैं। इवन कारपेट अच्छा अगर आपने लगाया हुआ है तो कारपेट की लाइफ इससे ख़त्म होती है। तो ये हो गया इसके नेगेटिव पॉइंट्स। साथ में ये थोड़ा महंगा भी होता है, क्रोम पॉलिश करके ये दिखाते हैं कि यार स्टील का है, और कई लोग को लगता है भाई ये स्टील का है तो ख़राब नहीं होगा, रस्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, रस्ट भी आ जाता है इसमें, और ये बहुत महंगे होते हैं। बात करते हैं अब रबर डंबल की। रबर डंबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये रबर डंबल है। अगर बात करें इसमें अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, तो सबसे अच्छाई है इसकी ये है, सबसे अच्छी चीज़ कि ये काफ़ी, ये भी कॉम्पैक्ट होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते हैं। दूसरी अच्छाई ये है, आप काफ़ी हाइट से छोड़ोगे रबर की वजह से ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, आवाज़ नहीं आएगी, टाइल्स नहीं टूटेगी। तीसरी चीज़, कॉस्ट में भी ये ऑप्टिमल होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं। और अगर बुराइयों की बात करें तो लंबे टाइम तक आप शायद ना यूज़ कर पाओ, लंबे टाइम तक यूज़ करोगे तो ये रबड़ इसकी कटने लगती है, जिम में अक्सर देखा जाता है, लेकिन होम वर्कआउट के लिए शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप होम वर्कआउट के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर बात करें कॉस्ट की, तो रबड़ डंबल की कॉस्ट जो होती है वो हमेशा स्टील से सस्ती होती है। अब ये डिपेंड करता है आप कहाँ से इसे परचेज कर रहे हो। ऑनलाइन इस टाइम अगर आप चेक करोगे अमेजोन पे, तो कॉस्ट आपको देखने की मिलेगी। अगर स्टील डंबल ये ले रहे हो, एक पेयर ले रहे हो 5 किलो का, यानी 5 किलो के दो वेट्स ले रहे हो, तो उसका कॉस्ट है करीब करीब 4,000 रुपये। वहीं रबर डंबल के साथ अगर आप जाते हो तो 2,700 रुपये में दो डंबल्स, 2,700 रुपये में 5-5 किलो के दो डंबल्स आपको मिल जाएंगे। सो कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो भी रबर डंबल काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। अब ये रेट्स वेरी करते रहते हैं, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग रेट देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आपको होम वर्कआउट के लिए लेना है तो आप इस डंबल के साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छा डंबल है। लोहे वाले के साथ मत जाओ, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये बातें हो गई इन डंबल्स के बारे में। अगर आपको कोई और क्वेश्चन, नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मिथ क्लियर करूंगा रेजिस्टेंस बैंड में और ट्यूब में क्या डिफरेंस है, कई लोग की क्वेरी आ रही थी, तो उन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए आपके लेवल के हिसाब से। तो नीचे इसमें कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को मैं उस वीडियो में अपने पिक करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।